अटैक के मामले लगातार बढ़ गए हैं जो बेहद ही परेशान कर देने वाले हैं। मुंबई में इसी तरह का नया मामला सामने आया जहां क्रिकेट खेलने के दौरान एक युवक को हार्ट अटैक आया और बाद में उसकी जान चली गई। कहीं चलते चलते हार्ट अटैक, कहीं बैठे बैठे दिल का दौरा। साइलेंट अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब मुंबई से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां मीरा रोड पर क्रिकेट खेलने के दौरान एक युवक अचानक जमीन पर गिरा, जिसके बाद वो खड़ा नहीं हो पाया। हार्ट अटैक ने उसकी जान ले ली। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें एक टर्फ में क्रिकेट खेला जा रहा है। बैटिंग करने उतरा युवक सामान्य दिखाई दे रहा है। टर्फ में लगे नेट के बाहर कई लोग मैच देख रहे हैं। बॉलर के हाथ में गेंद है, वो बॉलिंग करता है तो बैट्समैन हवा में जोरदार शॉट मारता है। अंपायर सिक्स का इशारा करता है, दर्शक तालियां बजाते हैं। इसके बाद बैटिंग कर रहा युवक फिर अपनी पोजीशन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोग सन्न रह गए। वो अचानक कुछ असहज सा दिखता है, उसके सीने में तेज दर्द उठा। इसके बाद युवक जमीन पर गिर गया। क्रिकेट खेल रहे दूसरे खिलाड़ी उसके पास भागे भागे पहुंचे, उससे बात करने की कोशिश की, CPR भी दिया गया, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। आनन फानन में युवक को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। ये घटना कश्मीरा इलाके की बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि एक कंपनी की तरफ से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कंपनी के कर्मचारी एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेल रहे थे। साइलेंट हार्ट अटैक को साइलेंट इस्केमिया के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक आने पर इसके कोई भी लक्षण पहले नजर नहीं आते हैं। आमतौर पर हार्ट अटैक आने पर छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और पसीने आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में ये जरूरी नहीं है। साइलेंट अटैक के शिकार होने वालों में युवा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक शामिल हैं, जो बेहद ही चिंता बढ़ाता है। हेल्थ एक्सपर्ट इसके पीछे लाइफस्टाइल में बदलाव को भी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।